इस लेक्चर में आप सीखेंगे स्ट्रिंग ऑपरेशंस। एज वी नो दैट स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि स्ट्रिंग क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। पाइथन अलाउ सर्टेन ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग डेटा टाइप सच एज कॉन्कैटनेशन, रिपीटेशन, मेंबरशिप एंड स्लाइसिंग। तो पाइथन में बहुत सारे स्ट्रिंग ऑपरेशन आप कर सकते हैं। ये ऑपरेशन होते हैं कॉन्कैटनेशन, रिपीटेशन, मेंबरशिप एंड स्लाइसिंग। दीज ऑपरेशन आर एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग सबसेक्शन विद सुटेबल एग्जांपल्स। ये जो ऑपरेशन हैं उदाहरण के माध्यम से नीचे बताए गए हैं, जैसे कि आप सीख सकते हो इनको वन बाई वन। तो पहला ऑपरेशन जो आप सीखने जा रहे हो वो कहलाता है कॉन्कैटनेशन। टू कॉन्कैटनेट मीन्स टू ज्वाइन। कॉन्कैटनेशन का एक सरल सा अर्थ होता है ज्वाइन करना। Python allows us to join two strings using concatenation operator plus which is denoted by plus। Python जो है हमें string को join करने की facility प्रदान करता है और इसको आप plus से concatenate कर सकते हो, join कर सकते हो। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हो सकता है। String one है hello, string two है world। अब दोनों को join करिए, str one plus str two, तो hello world print हो जाएगा। str1 hello, str2 world। चलिए इसको पाइथन में प्रैक्टिकली हम करके देखते हैं। इसके लिए मैंने आइडियली पाइथन ओपन कर लिया है और ये थोड़ी देर में ये आ गया आपकी स्क्रीन के सामने। हमने यहाँ पर str1 दिया, इसमें वैल्यू असाइन कर दी hello hello, और दूसरा स्ट्रिंग ले लिया हमने str2 और इसमें वैल्यू असाइन कर दी world world। आप देखिए दोनों को ज्वाइन करते हैं, एस टी आर वन को प्रिंट करिए तो हेलो आएगा, एस टी आर टू को प्रिंट करिए तो वर्ल्ड आएगा, और एस टी आर वन और प्लस एस टी आर टू इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। तो ये प्लस जो है कॉन्कैटनेशन का काम करता है, दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करने का काम करता है। इसी प्रकार से रिपीटेशन जो दूसरा ऑपरेशन होता है रिपीटेशन, इसको करेंगे। पाइथन अलाउ जस्ट टू रिपीट द गिवन स्ट्रिंग यूजिंग रिपीटेशन ऑपरेटर विच इज जनरेट बाई सिंबल एस्ट्रिक। असाइन स्ट्रिंग हेलो टू एस टी आर वन। तो यहाँ पर देखिए एस टी आर वन में हमने हेलो असाइन कर दिया है। रिपीट द स्ट्रिंग ऑफ द एस टी आर वन टू टाइम्स। तो एस टी आर को हमें वन को टू टाइम्स रिपीट करना है, तो मल्टीप्लाई टू कर दिया तो हेलो हेलो दो बार प्रिंट हो गया। रिपीट द वैल्यू ऑफ द स्ट्रिंग फाइव टाइम्स, तो एस टी आर वन मल्टीप्लाई फाइव कर दिया तो हेलो जो है फाइव टाइम्स प्रिंट हो गया। एस टी आर वन स्टिल रिमेन्स द सेम आफ्टर द यूज ऑफ रिपीटेशन ऑपरेटर। रिपीटेशन ऑपरेटर यूज करने के बाद जो एस टी आर वन है उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। चलिए इसको प्रैक्टिकली हम पाइथन में करके देखते हैं। ये है हमारा पाइथन और जैसा कि पहले ही आपने देख लिया है कि एस टी आर वन में हमने हेलो असाइन कर दिया है। अब हम इसका रिपीटेशन करेंगे, एस टी आर वन मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू, तो टू टाइम्स हेलो प्रिंट होना चाहिए। एस टी आर वन मल्टीप्लाई फाइव, तो फाइव टाइम्स हेलो प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से एस टी आर टू के साथ भी कर सकते हैं, एस टी आर टू मल्टीप्लाई टेन, देखिए ये 10 टाइम्स वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो उम्मीद है कि आपको रिपीटेशन समझ में आ गया होगा। इसमें आप स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करेंगे तो उतनी बार वो स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। चलिए आगे ऑपरेशन पढ़ते हैं। अगला ऑपरेशन है मेंबरशिप ऑपरेशन। पाइथन हैज टू मेंबरशिप ऑपरेशन इन एंड नॉट। इन द इन ऑपरेटर टेक्स टू स्ट्रिंग्स एंड रिटर्न्स ट्रू इफ द फर्स्ट स्ट्रिंग अपीयर्स एज अ सब स्ट्रिंग इन द सेकेंड स्ट्रिंग, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। इसको उदाहरण के माध्यम से आप अच्छी तरह समझ सकते हो। एक स्ट्रिंग वन है, इसमें आपने हेलो वर्ल्ड को असाइन कर दिया। अब देखिए डब्ल्यू इन एस टी आर वन, डब्ल्यू इन एस टी आर वन, तो आप देखिए कि एस टी आर वन में डब्ल्यू है, कैपिटल डब्ल्यू है, ठीक है, तो ये ट्रू प्रिंट हो गया। डब्ल्यू ओ आर, डब्ल्यू ओ आर ये स्ट्रिंग वन में है इन एस टी आर वन, तो ट्रू प्रिंट हुआ है। माई इन एस टी आर, माई क्या है इस हेलो वर्ल्ड में नहीं है, तो फॉल्स प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इन को इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसको प्रैक्टिकली पाइथन में करके देखते हैं।
जैसे कि पहले ही आपको पता है str1 में हमने हेलो को असाइन करके रखा है, तो हम प्रिंट करेंगे w w इन str1 str1। एरर आ गई है, चलिए इसको फिर से हम एक बार देखते हैं। डब्ल्यू इन str1, ये सिंगल कोट से क्लोज करना पड़ेगा। चलिए फिर से टाइप करते हैं डब्ल्यू इन str1। तो ये देखिए ट्रू प्रिंट हो गया, फॉल्स प्रिंट हो गया है क्योंकि str1 में डब्ल्यू नहीं है। अब टाइप करेंगे h इन str1, str1 ट्रू प्रिंट हुआ है। अब डबल एल ओ एच ई डबल एल, इसको सिंगल कोट करना पड़ेगा, एच ई एल हेल इन str1 str1। ये देखिए ट्रू प्रिंट हो गया है। माई माई इन str1, ये फॉल्स प्रिंट करेगा क्योंकि माई str1 में नहीं है। तो इस तरह से फॉल्स प्रिंट हो गया है। तो मेंबरशिप इनको आप समझ गए होंगे, उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए हम अब नॉट को भी समझने की कोशिश करते हैं। द नॉट इन ऑपरेटर ऑल्सो टेक्स टू स्ट्रिंग्स एंड रिटर्न्स ट्रू इफ द फर्स्ट स्ट्रिंग डज नॉट अपियर एज अ सब स्ट्रिंग इन द सेकेंड स्ट्रिंग, अदरवाइज रिटर्न्स फॉल्स। जैसे str1 हेलो वर्ल्ड असाइन कर दिया आपने, माई नॉट इन str1, माई नॉट इन str1, माई जो है str1 में नहीं है, तो ये ट्रू हो गया। हेलो नॉट इन str1 फॉल्स हो गया क्योंकि हेलो जो है स्ट्रिंग 1 में पहले से ही है, तो यहाँ पे आप नॉट इन का इस्तेमाल करेंगे। चलिए इसको प्रैक्टिकली हम करके देखते हैं। हेलो हेलो नॉट इन str1, तो हेलो तो str1 में है तो ये फॉल्स प्रिंट होगा, ठीक है। अब टाइप करेंगे माई माई नॉट इन str1 str1, हाँ तो माई str1 में नहीं है तो ट्रू प्रिंट होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से ट्रू प्रिंट हो गया। अगले वीडियो में आप पढ़ेंगे स्लाइसिंग ऑपरेशन। तो अगले वीडियो को देखने के लिए, उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।